किसको मिस कर रहे हो आप? लेडी ओली और जोई। लेडी ओली को मिस कर रहे हो आप? जोई को नहीं करते आप मिस? जोई तो कौन कौन तड़प रहा है जोई और इसकी जोड़ी को वापस देखने के लिए मिली आपको तो मुझे कौन? सो फाइनली हम इंडिया के लिए अपनी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। जय माता दी, जय हनुमान जी। और बाय द वे एक सरप्राइज और है, मन्नी ने भी आखिरी दिन ना मौके पे चौका मार के अपने लिए एक नया फोन ले ही लिया। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इसे कहते हैं माउंट रेनियर। ये तो मन्नी ने यहाँ से ले लिया एक परफ्यूम अपने लिए, शनैल का। कितने का पड़ा ये? 13,000। क्या चाहिए बेटा? अब तुम इंडिया आ गए हो, ओरियो नहीं मिले? कितने खुश हो रहे हैं, ये कैसे वो हो रहे हैं कि क्या हो गया बाबा वाला? आजा बाहर बैठते हैं, आजा यहाँ। मन्नी का ना थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, चल आजा बाहर बैठते हैं। चल, और बच्चों को ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह मिली हुई है खेलने के लिए। ये देखो पीछे पूरा बैकयार्ड है और ये दोनों ना मिट्टियों में खेल रहे हैं। ओए ओए ओए, हाँ जाओ नीचे जाओ खेलो, जा जेजू कूद जा, जे जम जम और डरपो जम जम जंपी। आजा तू भी खेल ले, चल। ओए जंपी, शिविया देखो नंगे पैर घूम ही जा रहा, बस हमें ये डर है कि कुछ चुभ ना जाए इसे। शूज पहनने हैं तुमने? वो देखो भाई वो चलो मन्नी आ जा बाहर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल नमितोलॉजी। और वक्त आ गया घर वापस जाने का और शादी अच्छे से निपट गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। हम जा रहे हैं घर, हमारी फ्लाइट है शाम के 5:50 PM यानी इंडिया के हिसाब से सुबह के 6 बजे। फिलहाल बज रहे हैं 9:16 सुबह के, यहाँ पे डेट चल रही है 29 जून। हम पहुँचेंगे इंडिया के डेट और टाइम के हिसाब से 1 जुलाई सुबह 5 बजे। तो आज का दिन पैकिंग सारी कर ली है, एयरबीएनबी खाली कर दिया है, फिर से एक बारी वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, पीछे जेर हो रहा है बहुत बुरी तरह से। शिवाय अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, ये देखो अपने लिए प्रिंगल्स पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आया है, कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के ले ही आता है लड़का। कहाँ से लाया हो इसको बताओ मम्मा को। तो फाइनली पैकिंग कर ली हमने, मैं आपके लिए 30 जून का व्लॉग अपलोड करी, 1 जुलाई का आके करूँगी। ये देखो आपका व्लॉग हो रहा है अपलोड 30 जून का। तो अपने काम में मेरी पूरी सिंसियरिटी है, मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये देखो राहुल की आज की लुक। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अमेरिका को विदाई देके इंडिया को, लेट्स गो बैक। और राहुल की लुक देख लो आप लोग, ये राहुल ने नई टी शर्ट खरीदी थी कॉस्को से। हाँ। और ये निक्कर कहाँ से ली थी? एंड वन। और जूते देखो भाई साहब। तो चले बैग रख दिए तुमने सारे गाड़ी में, बड़ा मुश्किल है कर रहे हो अभी भी। चलो, 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 बब्जी, लेडी ओली और जोई। अगर पूछा जाए मन्नी, तो इन तीनों में से बब्जी, लेडी ओली या जोई में सबसे ज्यादा मिस किसको कर रही है, दिल से बताइए। लेडी ओली। क्यों? क्योंकि ना मैं व्लॉग देखती हूँ ना, आप भी लेडी ओली को कर रहे हो, बताओ पापा। किसको मिस कर रहे हो आप? लेडी ओली और जोई। लेडी ओली को मिस कर रहे हो आप? जोई को नहीं करते आप मिस? अच्छा जोई को भी करते हो। और बब्जी को? बब्जी को करते हो? बब्जी की याद आ रही है? जल्दी बताओ बब्जी को करते हो कि नहीं करते, या फिर ऐसी? नहीं, वो लेडी ओली और जोई बब्बी को भी करता है। ओए तू तो तीनों को मिस करता है, वो तीनों तेरे को पहचानते भी नहीं है। क्यों नहीं पहचानते, जान बसती है। जोई तो ना बेड पे चढ़ चढ़ के मम्मी पापा को कह रही है उतर यहाँ से। जोई जोई तो कौन कौन तड़प रहा है जोई और जोड़ी को वापस देखने के लिए मेरी आंखों में तुमने देखो मेरे को बच्चों की याद आ रही है। जूम मत करना, मारूंगी मम्मी।
तो अब बहुत कम टाइम रह गया। हाँ हम लोग जा रहे घर, बैग्स हमारे जा चुके ऑलरेडी। और हम बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे और ये फाइनली हमारा बैग का एक कुंबा यहाँ पे है। अब हमारी फ्लाइट का शेड्यूल क्या है मन्नी, वो भी बता दे। यहाँ से टर्किश एयरलाइंस है जो जाएगी इस्तांबुल, 12 घंटे की स्ट्रेट फ्लाइट है। पर एक चीज मैंने नोटिस किया है, आने के रास्ते में और जाने के रास्ते में, आने का रास्ता लंबा होता है अमेरिका, जाने का हमेशा छोटा होता है, आधा आधा एक एक घंटा कम। पर ऐसा क्यों? आई थिंक रूट वैसा लेते हैं। अच्छा तो हम इस्तांबुल उतरेंगे। इस्तांबुल हमारा कितने देर का हॉल्ट है? छह घंटे हम इस्तांबुल करेंगे क्या? हवन करेंगे, गंदा खाना खाएंगे, गंदा खाना, मैक भी जाएंगे। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा फिर उसके बाद हमारी फ्लाइट है दोबारा टर्किश एयरलाइंस या इंडिगो? इंडिगो है। और फिर वहाँ से हमारी 7 घंटे की फ्लाइट है, वहाँ से हमारी नहीं 7 घंटे, हाँ 6:30। इस बार छोटी है बता तो रही हूँ। अच्छा बाकी जरूर छोटी। गाइस अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो इसका मतलब हम इंडिया आ चुके हैं और हम घर पर हैं। मेरे तो बाल भी इतने अजीब से लग रहे हैं, फेस बहुत बड़ा लग रहा है मेरा। इस टाइम अगले ब्लॉग के अंदर आपको देखने वाला है कि द रीयूनियन और रिएक्शन ऑफ जोई जब वो मम्मी को देखती है, लेडी और जब हमसे मिलते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं और हमें कैसा फील होता है। तो ये चीज एक हम भी अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कैसी होगी। और सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली ना अपनी फैमिली होती है, तो जब जाके रीयूनियन होगा ना अपनी पूरी फैमिली के साथ तो असली मजा आएगा। ये ना 4 दिन की चांदनी होती है घूमना फिरना, जब अपने घर जाओ, अपने बेड पे लेटो, अपने घर के हाथ का खाना खाओ, अपने टॉयलेट सीट, अपने टॉयलेट सीट सबसे ज्यादा। यहाँ पे तो साले टॉयलेट पेपर से ना साफ करना पड़ रहा है, वहाँ पे कम से कम जेट स्प्रे तो होता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो मैं बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है, टॉयलेट में कुछ भी करो, किसको क्या पता। प्रॉब्लम तो होती है, वॉश आउट करना अलग होता है, बट आई कांट स्पीक मच ऑन दिस टॉपिक। प्रॉब्लम होती है। व्लॉग यहाँ पे बैठ के बना लेंगे हम डाइनिंग टेबल के ऊपर। नहीं घर जाएंगे, ये बेवकूफ है ना, इसको तीनों जुकाम हो रखा है, जूस पी रहा है। वैसे तो अच्छा होता है, वाइट पिंक सी होता है, पर अरे कोई ग्लास व्लास और कुछ हो ले आओ। तो फाइनली हम इंडिया के लिए अपनी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। जय माता दी, जय हनुमान जी, जय माता दी, जय हनुमान जी। उसको नीचे उतारो, ये देखो हमारा जेजू है ना यहाँ, ये देखो नंगे पैर ना कौन प्लेन में एंट्री करता। ये ना जूते देखो मेरे पास, ठीक है। कौन, एक जूता गिर गया शायद, कौन गिर गया? नहीं नहीं है, मैं तो डरा रहा था। तो ये देखो हमारे लड़के नंगे पैर प्लेन में एंट्री कर रहे हैं। बच्चों के साथ कभी भी अमेरिका मत आना भाई, जान ले। अभी तुम अभी से खाना शुरू कर दिया? प्लेन में कुछ भी नाश्ता नहीं, प्लेन में बैठ के खाया। फ्लाइट के पहले तो सिर्फ खरीद के लाए थे, पर सब बेकार है, मजा नहीं आ रहा ना। पर यहाँ पे तो दो बार खाना मिलेगा, कब मिलेगा? 12 घंटे की फ्लाइट है, घूमने में चलने में मिलने में 2 घंटे का टाइम तो होगा ना। गाइस हम बैठे हुए हैं, मेरे पास 42 नंबर का है और मैं ये खा रहा हूँ, थोड़ा सा चिकन और फिंगर फ्राइज। अच्छा नहीं है, नहीं तो पहले बोल दिया, नहीं अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे कुछ ज्यादा बच्चा है तो गंदगी मचाएगा ये। हमारी है सीधा यहाँ से इस्तांबुल फ्लाइट सियाटल से, और वो है 11:30 में, मोटे मोटे 12 घंटे लगा लो, अभी टेक ऑफ में टाइम है। हम प्रिपेयर हैं अपना खाना वाना खा के हम बैठे हैं, हमारे पास 2 कम से कम भी अभी मील्स मिलेंगे हमें। मन्नी अपना खाने का इंतजाम करके आई है और मन्नी ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था और हम जल्दी जल्दी भागते हुए आए हैं। शाम के 6 बज गए, ये भी बता दो। यस शाम के बज गए हैं 5:37 और मैं शूट कर रहा हूँ अपने नए फोन से। और बाय द वे एक सरप्राइज और है, मन्नी ने भी आखिरी दिन ना मौके पे चौका मार के अपने लिए एक नया फोन ले ही लिया। मन्नी ने कौन सा फोन लिया? मेरे वाला सेम iPhone 14 Pro, ठीक है। और बहुत अच्छी डील मिल गई तुझे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा पुराना iPhone 13 जो था, नॉर्मल iPhone 13, वो $400 का। और तूने लिया, नया लिया कितने का था? 880 एक्स्ट्रा डाल दिया। लिया कितने का था इंडिया में? आईफोन 13 कितने का लिया था तूने? $1,000 का, और 400 का वापस चला गया। कितने टाइम यूज किया? साल। तो इंडिया के अंदर आप अगर जानते हो, आप अपने फोन को अगर वापस करते हो तो आपके पास एक एप्लीकेशन है कैशिफाई करके,
तो हम ना इंडिया में ना किसी को फोन करते थे कि ये स्पेसिफिकेशन डाल के देख बता कितना मिल रहा है, तो हम ना बहुत कैलकुलेटिव होके चले हैं। और अब जाके क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, वो तो हम देखते हैं अब कैसे पे करेंगे। क्यों, भगवान हिम्मत देगा, भगवान हिम्मत देगा, चलो आएगी, कुछ ना कुछ होगा। जय माता दी, जय हनुमान जी, जय माता दी, जय हनुमान जी, चलो यार अब घर चलो बस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। और जो हमें सीट मिली है ना वो मिली है बिल्कुल इंजन के पास में। तो ये है मेरे सीट का व्यू और ये है बिल्कुल आपके विंग के पास। 12 घंटे बहुत ज़्यादा आवाज़ आने वाली है, अनाउंसमेंट हो गई है। मैं मूवीज़ चेक कर लिया, मूवीज़ के अंदर है 83, मैं 83 देखूँगा। और ये मूवीज़ कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है ना, तो मैं देखूँगा 83 या फिर अतरंगी रे, और कौन से ऑप्शन है हमारे पास, बच्चन पांडे और बंटी और बबली 2, तो देख सकते हैं। टाइम तो निकल जाएगा मन्नी, हाँ निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन है तुम्हारे पास। यस, बहुत बढ़िया। और शिवाय अपना लगा हुआ है प्रिंगल्स का डब्बा खोल के, शिवाय के जूते उतार। हाँ मैं भी उतारूंगा। फनी फ्लाइट फाइनली उड़ने वाली है, तू कुछ कहना चाहती है? बस यार फटाफट चले, लेट हो गई है, 6:23 हो रहे हैं, 5:50 पे उड़ जानी चाहिए थी। 6:23 प्लेन की खिड़कियों से जो दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो नीचे जा रहा है। तो अब ये टेक ऑफ के लिए ना रेडी हो रही है, जैसे ही टेक ऑफ होगा मैं आपको पूरा टेक ऑफ दिखानी है, पूरी कोशिश करूंगा। ये देखो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ठंड लगनी शुरू हो गई है। नहीं मैंने जीन का बटन खोला है टाइट की वेस्ट, और उसको छुपाने के लिए कम कर रहा है, जिप भी खोली। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इसे कहते हैं माउंट रेनियर। ये तो फाइनली हम पहुंच गए इस्तांबुल, और जे की लुक देखो आप, मिक्की माउस, ओ मिक्की माउस, हेलो मिक्की माउस, और वो देखो वो नानी के साथ चिपक गया आते ही सबसे पहले। क्या देख रहे हैं? देख 12:30 घंटे की फ्लाइट के बाद फाइनली हम लैंड हुए हैं इस्तांबुल, और यहाँ पे हमारा हॉल्ट है 4:30 घंटे का, और उसके बाद हम टर्किश एयरलाइंस या फिर इंडिगो एयरलाइंस हमें यहाँ से लेके जाएगी दिल्ली, जो है अगले 7 घंटे की। मन्नी होके आ गई है वॉशरूम, ये मन्नी आई है बच्चों की बॉटल लेके। क्यों, क्या हुआ, ढक्कन कैसे गायब हो गए? जिंदगी में नहीं आऊंगी कभी इनके साथ लॉन्ग फ्लाइट। जे तो निहायत ही गवार है। चलो शिवाय पापा मम्मी जा रहे हैं, बाय। पता नहीं बच्चों को क्या पसंद आ गया ऐसे एयरपोर्ट के अंदर वहां से। और यहाँ हमारा गेट नंबर ही नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं मन्नी जल्दी बता। 716, हाँ 645 पे आएगा वो लिखा तो हुआ। अच्छा 716 नई दिल्ली 645 पे, इंडिगो, इंडिगो है बता दो दिया तुमने। यार इन दोनों बच्चों को उठा, देखियो टर्की के एयरपोर्ट पे क्या ड्रामे कर रहे हैं दोनों। 18:45 पे उठ जा वहां से जे। इसकी हरकतें ना अलग ही है, ये अलग ही दुनिया में जी रहा है। ये देखो सारे लोग बैठे हुए, ये अपना आराम से लेटा हुआ है। हाँ तो आराम से लेटा हुआ है ना, आराम से लेटा हुआ है ना, तो लेट जा लेट जा। तो मन्नी ने यहाँ से ले लिया एक परफ्यूम अपने लिए, शनैल का, कितने का पड़ा है? 13,000 $160 का, पर ठीक है इंडिया में सस्ता है महंगा? इंडिया में इससे तो महंगा ही होगा जहाँ तक मुझे है ना। मैं इसकी बिलिंग करानी स्टार्ट करती हूँ, तुम जरा M&M का देखो छोटा वाला, सबसे छोटी जेम्स आ जाए, लेकिन जेम का पीनट ठीक है। M&M ये पड़ा, ये ले ये ले ये ले, इधर देख इसमें कौन सी है। सो ये है टर्की का एयरपोर्ट, जो हमने आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तो ये पूरी फैमिली और ये कुछ ऐसा दिख, मनी जा रही है शिवाय के साथ, और फाइनली 7 घंटे की फ्लाइट के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने देश इंडिया, अपने घर, अपने बेडरूम में, अपने कमरे में, बब्जी के पास, ओली और ज़ोई के पास। देखते हैं क्या रिएक्शन निकलता है उनका। वो तो कैप्चर करना बहुत है। फाइनली हम लोग दिल्ली लैंड कर गए, अब भी टाइम हो रहा है 1 जुलाई और 5 बजे सुबह के,
ना, वॉच नहीं चल रही, घड़ी नहीं चल रही। हाँ वाईफाई से अपडेट भी नहीं होगा, अभी हमारे फोन में इंटरनेट नहीं, क्योंकि आपको पता है हम दोनों ने नए फोन ले लिए थे वहाँ जाके, तो इसमें दोनों ही ई सिम है, तो हमारा सिम कार्ड नहीं चल रहा, तो अभी हमारे पास ना मतलब हम बिल्कुल कटे हुए हैं, देर में वो फोन दे रहे थे। राहुल और मेरी फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी 1 जुलाई को, तो कॉमेंट सेक्शन में भर दो हैप्पी एनिवर्सरी भैया और भाभी। एंड बस यार हाँ जुड़े हैं मेरे, इतने लंबे ट्रिप पे अब मैं कभी नहीं जाऊँगी, मैं थक गई। कैसा रहा तेरा 15 दिन? अच्छा था, लेकिन यार इंडिया में बहुत फैसिलिटीज है, ठीक है, यहाँ पे आप पैसे दे के बहुत हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे आपको तूने बर्तन खुद मांजे है ना, बर्तन तक खुद मांजे मैंने मेरे हाथ, ठीक है तो हो गया चलो चलें फाइनली घर चलते हैं, ऐश काटते फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। चाय यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो रही है? तकलीफ कुछ नहीं हो रही है, बहुत अच्छी सांस आ रही है। अब ना वो बैगेज और फिर टैक्सी। चलो क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा, अब तुम इंडिया आ गए हो, ओरियो नहीं मिले, पराठे और खिचड़ियां खिला के तो पापी वजन गेन कर रहा है, इनको लगता है फन हो रहा है, मम्मी पापा को रोक के दिखा दो, ये कहिए चुप हो जाओ। गाइस हमारे साथ पूरी ट्रिप में पता क्या हुआ, बच्चों को ना वहाँ पे इतना शोर नहीं मचा सकते, लोग ना बहुत माइंड करते हैं, यहाँ पे तो चीखते चिल्लाते रहे बच्चे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे इनको चुप कराने के लिए मुझे कुरकुरे पार्ले जी ओरियो ये वो गंद कोल्ड ड्रिंक सबका सहारा लेना पड़ा। अब मैं ना इनका 2 महीने के लिए ना जंक इतना बंद करा दूंगी ना ये रोएंगे। ओरियो चाहिए अब तुझे? क्या चाहिए? ओरियो चाहिए? मुक्के मारूंगी ओरियो चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा घर जाके ना दादी की तो और यहाँ बब्जी और लेडी ऑली अभी हम घर पहुंचे ही हैं। ये देखो यहाँ से ना खड़े होके देखी जा रहे हैं, और ये जोई की आवाज आनी शुरू हो गई है अंदर से, अभी दिखाते हैं आपको। जोई जोई को देखो कैसे पगला रही, सड़क पे आ गई, अरे लग जाएगी कोई गाड़ी आ गई तो। जोई अन्नी थोड़ी हेल्प करा दे, ठीक है ना? नोमी दीदी बब्बे ओला ओला बब्जी कितने खुश हो रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं कि क्या हो गया बब्बा ओला जोई गुड़िया जोई कैची है गुड़िया, बच्चे अंदर ले जाओ दीदी पहले ना, सामान वामान छोड़ो आप जो आंखें साफ नहीं हुई पर खुश कितनी हो गई है, जैसे अकेली पड़ी हुई हो इतने दिन की। जोई कानों क्या हुआ तेरे, उसको नहलाया नहीं है? बड़ी हो गई है, है? नहीं नहलाया, अभी नहला देंगे जो। पर देखो हमारा सामान कितना सारा पड़ा है यहाँ पर, पर पहले हमने कब 3-4-5-6 लगे, गिर जाएगी ये पकड़ो। बच्चों अंदर चलो शिवाय, यहाँ जोई लगी हुई है अपनी शरारतों में, हम अपने बैग्स अंदर कर रहे हैं। इन द मीन टाइम जोई कम ऊपर देखो, बब्जी और लेडी ऑली ये देखो भौंक चुकी हैं, थक चुकी हैं, पर जब हम इनसे मिलेंगे वो रिएक्शन हम नोट करेंगे इनका। अभी जाके मैं जोई को पकड़ता हूँ, 1 मिनट। जोई वापिस आ, चल चल अंदर, चल अंदर, चलो 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 चल अंदर। जोई बड़ी लग रही है आज, है ना? बड़ी हो गई है ना, चलो अंदर, चलो चलो कम 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 जोई चल अंदर, चलो 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 चलो। और चमचू बॉय इसका नाक किसने छील दिया मम्मी? किसका? शिवाय का। तो यहाँ आ गया हमारा लगेज, इसको हम बाद में देखेंगे, अब सीधा अंदर चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, इनके घर आए हैं। एसी चलाओ, तुम्हारे लिए एसी चला दिया। हाँ भाई क्या हाल है तेरे? जोई तू उससे मिली है? जेजू से मिली है तू? जेजू से मिल चुकी है? हाँ यार।